सारण संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी सर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल करेगी। नामांकन सभा में शामिल होने के लिए प्रखंड अध्यक्ष राजेश राय द्वारा लगातार क्षेत्रों में दौरा कर अधिक से अधिक महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का अपील किया जा रहा है। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर आचार्य की नामांकन सभा ऐतिहासिक होगी, लाखों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सारण में बदलाव की हवा बह रही है, लाखों वोट से रोहिणी आचार्य की जीत निश्चित है। उन्होंने सारण की बेटी के जवाब में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का कर्म भूमि रहा है, उनकी बेटी सारण की बेटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डी 11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, कल डॉक्टर रोहिणी आचार्य यानी राजद प्रत्याशी सारण संसदीय क्षेत्र का कल नामांकन प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए क्या अभी तैयारियां चल रही क्षेत्र में? हम लोग क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और लोग बहुत उत्साहित हैं और लाखों की संख्या में लोग नामांकन में जाने के लिए तैयार है लोग, और इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीत होगा, इसमें कहीं कोई दुमत वाला बात नहीं है। हम लोग तो रात दिन लगे हुए हैं और लोगों का भी जो मन पूरा बना लिया है लोग कि हाँ, चाहे जैसे हो नामांकन में जाने के लिए से लेकर के चुनाव तक ले हर कास्ट के लोग तैयार हैं लोग। और हम लोग कल 10 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे परसा होते हुए और छपरा जा कर के कल नामांकन होगा और युद्ध स्तर पर लोग लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन और आ रही है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण की बेटी नहीं बल्कि गोपालगंज की बेटी बताया जाए, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले लालू प्रसाद का सारण जो है वो उनका है, कर्मभूमि है, यहाँ सबसे पहले यहीं से वो अपना राजनीति का शुरुआत किए थे और वो मानकर चले कि सारण गोपालगंज का नहीं सारण का राजनीति है, इसमें कोई दुमत का बात नहीं है। और बेटी बेटी होते हुए भी इतना उनसे लोग प्रियता है, उनके प्रभाव से लोग इतना हो गया है कि जिसका जवाब नहीं, लोग लाखों के लाख संख्या में लोग चलने के लिए तैयार हैं और बहुत रिकॉर्ड वोट से जीत उनको दिलाया गया। परिचय? मैं राजेश राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष परसा।